वेलकम बैक गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप 10 कैटेगरीज टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे मैंने रखी है कैटेगरी, वो है ASMR की। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ASMR, अगर आप डालते हैं तो देखिए, जैसे मैंने डाला भी तो यहाँ पे ईटिंग वगैरह, माउथ साउंड वगैरह ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता क्या एक्चुअली कि लोग क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं। देखिए, जैसे बंदा खाना खा रहा है, ठीक है, तो इसकी वीडियो बना लेगा बस, और इसमें थोड़ी सी इनके होंठ दिखते हैं, मुंह दिखता है, और बाकी खाना खाते रहते हैं, अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं, बहुत सारा भर भर के खाना खाते हैं, तो इसमें व्यू भी भर भर के आते हैं। जैसे देख सकते हैं आपकी 7.4 मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है, इस तरीके से व्यू आपको मिल जाते हैं, जैसे कि लोगों ने बनाए हुए हैं, देख सकते हैं 9 लाख, 4.2 मिलियन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको व्यू आसानी से इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि फूड को लव करने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में, और वो आपके चैनल वीडियोज़ को जरूर देखेंगे, बट उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। बाकी मैं बातें आगे करूँगा, फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ कुछ कैटेगरीज, आप खुद रिसर्च करिए, खुद देखिए इसको, ठीक है। ASMR बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो आप इसमें जा सकते हैं, इस तरीके के चैनल खोल सकते हैं। अभी अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, मेरे जो नेक्स्ट कैटेगरी मैंने चूज़ करी है वो है ब्लॉग की। अगर आप ब्लॉग में देखते हैं कि आपको हर तरीके का ब्लॉग मिल जाता है, मीन्स आपको एक मोबाइल उठाना है, कैमरा उठाना है, और कुछ भी रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए। देखिए कितने सारे ब्लॉग लोगों ने बना रखे हैं, हाउ टू ब्लॉग भी डाला हुआ है, आप ये भी वीडियोज़ देख सकते हैं पहले शुरू के लिए, अगर आपको देखना है तो देखिए। और ब्लॉगिंग में क्या रहता है ना कि आप नई नई चीज़ें जगह घूमते हैं, दिखाते हैं लोगों को, तो ये इस कैटेगरी का होता है कि आप बताएंगे कि मैं यहाँ गया हूँ, मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो इस तरीके का ब्लॉग बनता है। आप इसको रिसर्च करिए, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है फिलहाल, तो मतलब शुरू से ही था ट्रेंडिंग, और अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रो है। वैसे आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन में कोई बाहर जा नहीं सकता है, तो अगर आप बाहर जाके कोई वीडियोज़ अच्छी बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस टाइम पे आपका जो चैनल है वो ग्रो करेगा, क्योंकि वैसे इसमें ऑलरेडी जितने भी ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉग करते हैं, उनके पास व्यू आ जाते हैं, अच्छे खासे व्यू आते हैं। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो मेरी नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है मोटो ब्लॉगिंग। मोटो ब्लॉगिंग फिलहाल के लिए अभी सब पर ठप पड़ा हुआ है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि बाइक लेके कोई घूम नहीं पा रहा है। इसमें क्या रहता है कि बाइक लेके या फिर गाड़ी लेकर के आपका क्या रहता है कि एक कैमरा लगा दो अपने चेहरे के आगे, जैसे इसने बंदे ने लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे GoPro होता है और बहुत सारे आते हैं। इसमें थोड़ा सा आपका खर्चा हो सकता है शुरू में, जैसे कि आपको एक अच्छा हेलमेट चाहिए होगा, अच्छे कपड़े चाहिए होंगे थोड़े से इनके, जो मतलब कि बाइक में बैठ के आप जाएंगे तो एक्सीडेंट होता है तो नहीं होगा, जैकेट वगैरह आती है, महंगी आती है थोड़ा सा, और कैमरा भी थोड़ा सा महंगा आता है इसका। बट ये है कि ये अगर आप बना लेते हैं, अगर आपका पैशन है बाइक चलाना और आपको पसंद है कि आप थोड़ा सा कॉमेंट्री करते करते बता सकते लोगों को, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। आप ये चैनल ओपन कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है ये, और इसमें फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी मिलती है। मान लीजिए अगर आपका चैनल चल जाता है तो आप कुछ भी डालते हैं तो आपका लोग देखेंगे, बट थोड़ा सा इसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एडिटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मतलब थोड़ा सा अभी तक मैंने जितने भी चैनल बताए, सबसे ज़्यादा हार्ड वैसे यही है, बट ये कि मज़ेदार है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि एक मोटो ब्लॉगिंग करूँ मैं। वैसे मैंने एक दो वीडियो बनाई है मोटो ब्लॉगिंग की, बट वो प्रॉपर मोटो ब्लॉगिंग नहीं है, मतलब उसमें मैंने थोड़ा बहुत दिखाया है, कैमरा पीछे किसी को दे दिया मैंने पकड़ने के लिए, अपने चिन पे मैंने उसको नहीं बांधा है, मतलब इस तरह की वीडियो बनाई, वो मैं बाद में बात करूँगा, फिलहाल मैं आपको सिर्फ अभी कैटेगरीज बता रहा हूँ। तो ये मोटो ब्लॉगिंग का हो गया। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो आजकल ट्रेंडिंग है, सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चैनल चल रहा है आजकल वो है न्यूज़ का, क्योंकि इतनी खबरें हैं कि उनको बताने का अलग अलग तरीका है बस। मतलब कि देखिए, बताने को तो बड़े बड़े जो जो भी हैं, जैसे कि आपका जी न्यूज़ मिल जाता है या फिर आपका आज तक है, ये सब के सब आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बट काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ होती है जिसको जानना आप चाहते हैं, जैसे कि कोई सी भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है, जैसे आजकल अभी इंडिया चाइना के बीच में चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनती है इसके ऊपर। लोकल चैनल आजकल इतने ऊपर हो चुके हैं क्योंकि आजकल लोकल चैनल को इतना ज़्यादा देखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कितने चैनल्स हैं न्यूज़ के, तो अभी जो भी डिस्प्ले में आ रहे हैं सारे तो वैसे बड़े चैनल हैं, बट आप अगर छोटे चैनल्स को भी देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत आसानी से ग्रोथ मिल जाती है, क्योंकि लोगों को करंट अफेयर चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए कुछ भी नया हुआ, अगर आप उसके बारे में वीडियो बना देते हैं, और इसकी एडिटिंग भी बहुत आसान हो गई है, ऐसा जैसे दिख रहा है ना सब कुछ कि इसमें न्यूज़ बोली जा रही है और आप पीछे का बैकग्राउंड ये नीचे लिखा हुआ आता है, ये सब करना बहुत आसान हो गया अब, क्योंकि ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आ गई है। काइन मास्टर में चले आइए, वहाँ पे एडिटिंग ट्यूटोरियल ले लीजिए, इसका आपका पूरा न्यूज़ चैनल आप खुद वगैरह अपना ओपन कर सकते हैं, बस आपको अपडेट रहना पड़ेगा। काफ़ी सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको आपने सब्सक्राइब करना होगा, देखना होगा उन्होंने क्या डाला नया, और उसके बेसिस पे रिसर्च करके आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, न्यूज़ देनी होगी, तो 100% मैं गारंटी देता हूँ आपका ये चैनल ज़रूर चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो फैक्ट इसी बंदे ने स्टार्ट करा था वैसे इंडिया में, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ये बंदा दिख रहा होगा आपको, फैक्टेक। ठीक है, चैनल इसका 13.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं भी इसको देखता हूँ, काफ़ी मस्त बोलता है। अगर आपको सीखना है कि फैक्ट टेक जो चैनल रहता है, मतलब कि फैक्ट बताने वाला जो चैनल्स रहते हैं जिसमें बताता है कि
तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये फैक्टेड चैनल को बनाया जाता है, फैक्ट्स बता के किस तरीके से बताया जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे जिसमें कि आपको फैक्ट्स बताया जाएगा। इसके साथ और भी कैटेगरी जुड़ जाती है, मिस्ट्री भी वगैरह बताते हैं लोग। देखिए जैसे ही बंदा है, इसमें लिखा हुआ है भारत में 0 रुपये के नोट क्यों छपते हैं, इस तरीके के फैक्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 25 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट। मतलब कि फैक्ट के लिए तो आपको वेबसाइट भी इतनी सारी मिल जाएगी, इतने फैक्ट मिल जाएंगे कि आपकी पूरी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगी, लेकिन फैक्ट खत्म नहीं होंगे। तो क्या है कि आप इसके ऊपर अगर वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं टाइम पास करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। थोड़ा सा बस बताने का तरीका होना चाहिए, अगर आपको देखना है कि बताने का क्या तरीका होता है इसको, किस तरीके से वीडियो को अच्छा बनाया जाए, तो आप ये चैनल जरूर विजिट करिए फैक्ट टेक, ठीक है। तो आप ये चैनल ओपन कर सकते हैं फिलहाल, और क्योंकि देखिए इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, आप घर पे बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से थोड़ी सी एडिटिंग करके इसकी वीडियोस को बना सकते हैं, एक पैसे खर्चा नहीं इस चैनल को ओपन करने में, ठीक है। तो अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है टॉप 10 टॉप 5। जैसे मेरी वीडियो है ये भी एक टॉप 10 की कैटेगरी में ही आती है, बट फिलहाल तो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए टॉप 10 में कितनी वीडियोस हैं, टॉप 10 एनकाउंटर, 10 मूवीज, टॉप 10 डेंजरस वाटर स्लाइड्स, टॉप 10 मतलब कुछ भी बता सकते हैं कि टॉप 10 कंट्री, टॉप 10 कंट्रीज विद GDP, मतलब एक्स वाई जेड जो आपका मनाता है, टॉप 10 पॉलिटिशियंस, कुछ भी आप बना के डाल सकते हैं। बट ये है कि उसमें थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी होगी और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। तो फिलहाल तो ऐसा टॉप 10 वाला कोई मेरे लिस्ट में चैनल है नहीं जिसको मैं देखता हूँ, बट आप रिसर्च करके बताइए मेरे को कमेंट में, मेरे को भी बताइए, मैं भी चेक करूँगा कि कौन से अभी सबसे अच्छे जो टॉप 10 है वो बताते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि इसमें भी कोई खर्चा है नहीं, आपका घर पे बैठे बैठे आपको सारा काम मिल जाएगा करने के लिए। कंप्यूटर होना चाहिए बस, या फिर मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल से सब कुछ हो जाता है आजकल। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइफस्टाइल, मैंने इसको चूज़ करा हुआ लाइफस्टाइल को, क्योंकि ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसमें देखिए ज़रूरी नहीं है कि लाइफस्टाइल आप किसी के बारे में बताइए, आप अपना लाइफस्टाइल बता सकते हैं कि मैं ये कपड़ा पहनता हूँ, मेरी ये शक्ल है, मैं ये मतलब कि अपने फेस पे लगाता हूँ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, तो लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मैं ये जैकेट पहनता हूँ, मैं यहाँ पे शॉपिंग करता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं सुबह उठ गया, मैं जिम जा रहा हूँ। तो ये बहुत तरीके की जो होती है लाइफस्टाइल में आती है, ये चीज़ें आप बता सकते हैं लोगों को। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरे को कि आप लाइफस्टाइल के बारे में किस तरीके की वीडियोस बना सकते हैं, और ये भी एकदम मतलब कि इसमें रुपए इतने कुछ ज़्यादा लगते नहीं है, आपको बस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और बताने का तरीका होना चाहिए। हर चीज़ में कंटेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, तभी आपकी वीडियो चलेगी। क्योंकि चैनल तो हर कोई बना रहा है, हर दिन हज़ारों चैनल लाखों चैनल बनते हैं, बट वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि पेशेंस और कंटेंट ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो कंटेंट लेके आइए अच्छा अच्छा। अब देखिए इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट कैटेगरी चूज़ करी है वो है किचन की। अगर आप एक हाउसवाइफ है या फिर एक लड़की हैं, लड़के भी हैं जो कि बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं आजकल, ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़्यादातर ये लड़कियों का शौक रहता है कि लड़कियाँ ज़्यादातर ऐसी वीडियोज़ बनाती है। अब देख लीजिए जितनी भी वीडियोज़ दिखेगी आपको, उससे ज़्यादातर आपको लड़कियाँ ही दिखेगी जो बनाती है, ठीक है। तो फिलहाल देखिए क्या है कि किचन में आप जो भी खाना बनाते हैं ना एक्स वाई जेड, अगर कुछ आपको नई टेक्निक आती है, नए तरीके खाना बनाते हैं, यमी कुछ बना सकते हैं, मोमोज घर में बना देते हैं या फिर कुछ और चीज़ बना देते हैं घर में, तो उसकी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहता है देखने का, क्योंकि देखिए भिंडी एक नॉर्मल तरीके की बनती है और एक अलग से स्पाइसी वाली भिंडी भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपको बस उसका थोड़ा सा थंबनेल अच्छा करना और बनाने की टेक्निक, क्योंकि उसको कोई टेस्ट तो करने वाला है नहीं, बट फिर भी ये नहीं कि आप कुछ भी बताएंगे तो लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा बताइए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ के बारे में, आपको नॉलेज है इस चीज़ की कि खाना कैसे बनाना है, तो आप ये किचन वाला जो चैनल मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरी, आप इसमें जा सकते हैं और अपना चैनल ओपन कर सकते हैं खुद का घर पे बैठे बैठे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी के पास जाऊँ तो यहाँ पे देखिए मूवी रिव्यू, ये चल रहा है आजकल सबसे नंबर वन पे, क्योंकि देखिए आजकल लॉकडाउन की वजह से अब सारे के सारे जो भी थिएटर वगैरह वो तो बंद है, तो सारे क्या चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, जी आपका बालाजी ऑल्ट बालाजी, और इसके अलावा आपका वूट पे कुछ सीरीज आ रही है, या फिर और भी बहुत सारे हैं, हॉटस्टार पे सीरीज आ रही है, ठीक है। तो ये लड़की, इसको तो मैं देखता हूँ, इस बंदी को, इसका नाम है फिल्मी इंडियन, ठीक है। तो मूवी रिव्यू में सबसे ऊपर इसी का ही नाम आता है, तो आप रिव्यू दे सकते हैं, बता सकते हैं कि मूवी कैसी थी, मूवी की पूरी स्टोरी बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए क्योंकि स्टोरी एक्सप्लेन, जैसे इसने बताया स्टोरी एक्सप्लेन अंधाधुंध की, ठीक है। तो ऐसा रहता है कि बहुत बंदों को मूवी समझ में नहीं आती, इंग्लिश मूवीज़ होती है, हिंदी मूवीज़ होती है, समझ में नहीं आती, तो उसके बारे में बताते हैं कि इस मूवी में एंडिंग ये था। तो समझ रहे आप इस चीज़ से कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं आप, तो एक तो रिव्यू दे सकते हैं, देखें कि ना देखें ऐसा बता सकते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि अपना वहाँ पे 3-4 घंटे वो सॉरी 2 घंटे अपना वेस्ट करें मूवी को देखे, फिर बाद में पता लगे मूवी तो बकवास थी। अगर शुरू में कोई इनको बता दे कि मूवी बहुत मस्त है, आप देखने जाइए, मतलब कि पूरा एक्सपोज ना करते हुए, ना बताते हुए, एंड को एकदम रिवील ना करते हुए अगर कोई बता दे आपको ऐसे चैनल, तो कितना बढ़िया होगा। मैं तो खुद ऐसे चेक करता हूँ कि कौन सी मूवी अच्छी है, फिर उसका पूरी मूवी देखता हूँ, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप इसमें वीडियोस देखिए और उसके बारे में बताइए, अपलोड करिए, बस इसमें कुछ नहीं करना। एक मोबाइल होगा आपके पास तो आपका काम बन जाएगा, आपका नया चैनल स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है थोड़े से आने वाले टाइम पे आपकी कमाई भी चालू हो जाए, जब आपके पास काफ़ी अच्छी यहाँ पे जैसे कि 4000 घंटे का टाइम है, वॉच टाइम आपके पास होना चाहिए 4000 घंटे का, और साथ में आपके
1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो ये बहुत आसान है, मेरे को इतना लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका है वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी वो है एजुकेशन की। एजुकेशन में आपको कुछ भी आता है, कोई सी भी एजुकेशन आती है, 10वीं 12वीं 11वीं, या फिर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि गेट को कैसे क्लियर करना है, कोई सी भी एग्जाम को क्लियर करने की टेक्निक आपको पता है, इंटरव्यू कैसे क्लियर करते हैं वो पता है, इंग्लिश आपको पढ़ानी आती है तो आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं लोगों को, कंप्यूटर चलाना आता है तो कंप्यूटर सिखा सकते हैं उनको, ठीक है। कोई लैंग्वेज आती है, पाइथन आता है, आपको पाइथन सिखा सकते हैं, या फिर आपको C++ आता है, ठीक है। तो कुछ भी आपको XYZ आता है तो आप उसमें एजुकेशन की कैटेगरी में आता है ये सब कुछ, तो आप इसमें उनको बिठा बैठे बैठे सिखा सकते हैं। आपके पास एक कॉपी पेन होगा तो आप उससे वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर रहेगा तो कंप्यूटर से स्टार्ट कर सकते हैं, मोबाइल है तो मोबाइल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी इसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला, बट ये कि आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, एकदम परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी आप उतने ज़्यादा अपने पास सब्सक्राइबर्स गेन कर पाएंगे और लोग आपको देखना पसंद करेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी कैटेगरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो। और इसका मैंने सेकंड पार्ट तैयार करके रखा हुआ है जिसमें कि इससे भी ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक्स हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं वो वीडियो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको जल्दी अपलोड करूँगा। सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।